हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ सोनिका। आज मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी लाई हूँ राजमा की। राजमा हम लोग बनाएंगे, बहुत कम स्पाइसेस डालेंगे क्योंकि स्पाइसेस थोड़ा सा गर्म होते हैं, बॉडी को नुकसान भी करते हैं। तो हमने ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे, लेस स्पाइसेस यूज़ करेंगे बट टेस्टी बहुत होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है ना राजमा को भिगो दिया था। मेरी बेटी को जल्दी खाना था तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के लिए रखा है। 3 घंटे के लिए मैंने रख दिया इसको। मैंने जो है पानी को बॉईल कर लिया, बॉईल करके इसको डाल दिया मैंने। और 3 घंटे में देखिए ये एकदम से बढ़िया सा फूल गया। अब इसको हम लोग बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने इसको उसमें अपने कुकर में डाल दिया है, देखिए। और इसके साथ में हम इसमें 2 स्मॉल पोटैटोज़ डालेंगे। फ्रेंड्स, बिलीव मी, पोटैटो डालिएगा, आपका राजमा बहुत अच्छा बनेगा। इससे इसमें थिकनेस आएगी और बहुत खाने में टेस्टी भी लगेगा। साथ में 2 बे लीव्स हैं और 2 इलायची हैं बड़ी। इनको मैंने ना कूट लिया है, देखिए, जिससे इनका पूरा फ्लेवर बाहर आए, इसलिए मैंने इनको कूट के डाला हुआ है इसमें। अब इसमें 2 कप राजमा है तो हम इसमें लगभग 4 कप पानी ऐड करेंगे। देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, लगभग 4 कप। और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग जब इसको बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, तब भी हमें ऐड करना रहेगा, तो हम इसको तब भी सॉल्ट ऐड करेंगे। तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है, थोड़ा सा ही ऐड किया है। इसको हम लगभग 3 to 4 सीटियों के लिए चढ़ा देंगे। जब इसमें 4 सीटियाँ आ जाएंगी तो ये लगभग पक जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब तक हमारा राजमा पक रहा है हम ग्रेवी की प्रिपरेशन करते हैं। पहले हम डालते हैं ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो लगभग 2 टेबल स्पून है ये हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा क्यूमिन, जीरा। जब जीरा क्रैकल होने लगेगा तब इसमें डालेंगे अनियन। फ्रेंड्स, ये जो अनियन और ये वेजिटेबल्स हैं मैंने रफली चॉप किए क्योंकि इनको मिक्सी में हम पीसेंगे, तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा स्लाइस डाइस नहीं किया है, बहुत महीन नहीं किया है, मोटा मोटा स्लाइस रखा है। देखिए हमारा जीरा जो क्रैकल होने लगा है, अब इसमें हम डाल देंगे। ये 2 मीडियम साइज अनियन है फ्रेंड्स। अनियन डाल दिया, देन इसके बाद हम ये 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स थे उनको डाल लिया, ये भी रफली चॉप दें। ये हमारा 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने डाल दिया है। इनको अब थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे। थोड़ा सा 2 मेपल चिलीज़ हैं, ग्रीन चिलीज़, इनको हमने डाल दिया। अब इनको हम लोग पका लेंगे। जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते इनको हम पकाएंगे। देखिए अनियन हमारे गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें हम टमाटो डालेंगे, ये 2 मीडियम साइज टमाटोज़ हैं, इसमें हम डाल देंगे। अब इनको हम पका लेंगे। अब इनको हम 5 मिनट पकाएंगे जब तक हमारे टमाटो सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून के जितना सॉल्ट डाल देंगे। इनको सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। 1-2 बार हम चेक करते रहेंगे कि हमारा जो टमाटो है वो जले ना, तो 1-2 बार बीच में ऐसे स्टर कर देंगे। अभी देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए, हल्के सॉफ्ट हुए, हम 2 मिनट इनको और पकाएंगे। देखिए ये मसाला हमारा पक गया है, गैस ऑफ कर देंगे हम और इसको ठंडा करके हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब देखिए अब हम फिर से थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे। और जो मसाला हमने भूना था उसको हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। मिक्सर में जो मसाला हमारा बच जाता है उसको थोड़ा सा पानी डाल के आप निकाल लीजिए, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, पूरा इसको ले लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हमने पूरा मिक्स कर लिया इसको। अब इसको हम चलाएंगे।
मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। या तो आप जो लाल मिर्च आती है देगी, लाल मिर्च आप वो डाल सकते हैं कलर के लिए, तो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं आती है। इसके साथ में हम थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, लगभग 1/4 टीस्पून, और 2 स्पून स्मॉल हम लोग हल्दी डालेंगे और सॉरी धनिया डालेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा ही मसाला यूज़ करेंगे और चला लेंगे इसको। अब इसको हम ढक के थोड़ी देर पका लेंगे, क्योंकि इसको ढक के पकाइएगा, क्योंकि ये बॉयल होगा तो इसकी छींटे पड़ती हैं जिससे जलने का चांसेस रहता है। तो इसको हम ढक के पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे ये जले नहीं। देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा पक गया है, इसने ऑयल देखिए रिलीज़ कर दिया है, तो मतलब ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज़ कर दिया मसाले ने हमारा। अब इसमें हम राजमा डाल देंगे, देखिए राजमा हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है, इजीली टूट रहा है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, राजमे का जो पानी था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम हाई फ्लेम पे 5 मिनट पकने देंगे। और जो हमने ये पोटैटो डाला है इसको मैश कर देंगे इसी में हम ग्रेवी में, जिससे हमारी ग्रेवी जो है वो ठीक हो जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा फाइन नहीं, ऐसे पोटैटो डालना मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझे बोला था पोटैटो डालो बहुत टेस्टी बनेगा, हमारी ग्रेवी भी अच्छी हो जाएगी, तो ये टिप उन्हीं से मैंने लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हम पहले 2 बार नमक डाल चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट थोड़ा अगर ज़्यादा भी होगा कम होगा, ज़्यादा कम तो हम उसको मैचेस कर सकते हैं, तो हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे, देखिए इसमें ग्रेवी अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे फ्रेंड्स, ढक कर पकाएंगे हाई फ्लेम पे। और फ्रेंड्स लास्ट में हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के इतना आमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा टैंगी देने के लिए टेस्ट, इससे बहुत ही अच्छा थोड़ा सा टैंगी टेस्ट आएगा, तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा ग्रीन पार्सले, ये देखिए हमारा राजमा तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स राजमा हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, तो हम स्पाइसी खट्टा मीठा टेस्ट के साथ में राजमा हमारा तैयार है, इसको अब हम सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स राजमा चावल हमारा तैयार है, राजमा मैंने प्लेन राइस बनाए हैं, क्योंकि प्लेन राइस के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें फाइनल लुक देने के लिए हम थोड़ा सा इसमें घी ऐड करेंगे, राजमा में घी ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसको आप सर्व करिए रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप इसको सर्व करिए फ्रेंड्स। ये हमारा राजमा चावल तैयार है, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।